इंडिया वर्सेज यूएसए का हाई वोल्टेज मुकाबला कौन जीता, किसे मिला मैन ऑफ द मैच का खिताब, किस टीम ने मारी बाजी, क्या है आज के मैच का पूरा हाईलाइट, सब कुछ बताने वाले हैं आपको इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करें इस रिपोर्ट की, दरअसल भैया टी20 वर्ल्ड कप 2024 का 25वां टी20 मैच खेला गया, जहां पे एक तरफ टीम इंडिया तो दूसरी तरफ यूएसए की टीम थी। और इस मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, तो वहीं यूएसए की टीम बल्लेबाजी करने उतरी, जहां पे आज यूएसए की टीम की तरफ से यहां पे आपको बता दें कि टीम इंडिया ने पहले तो 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 110 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। जी हां, जिसमें आज यहां पे टीम इंडिया की गेंदबाजी काफी कमाल की रही थी, जहां पे अजदीप सिंह ने आज यहां पे 4 विकेट चटकाए थे। तो अजदीप सिंह का पहला विकेट यहां पे उन्होंने आपको बता दें कि एच जहांगीर का चटकाया था, बिना खाता खोले उनको आउट कर दिया था। इसी के साथ साथ अजदीप का जो दूसरा विकेट था, दूसरा विकेट अजदीप ने यहां पे गौस का चटकाया, और इसी के साथ साथ तीसरा विकेट अजदीप सिंह ने नीतीश कुमार का चटकाया, 27 रन पर उनको आउट कर दिया। तो इसी के साथ चौथा विकेट उन्होंने यहां पे आपको बता दें ही हरमीत सिंह का चटकाया, जिनको 10 रन पर उन्होंने आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसी के साथ यहां पे हार्दिक पांडे ने आज 2 विकेट चटकाए, तो वहीं हार्दिक पांडे ने भी कमाल की गेंदबाजी करी, जहां पे उन्होंने जोनस को 11 रन पर आउट कर दिया। तो दूसरी तरफ यहां पे आपको बता दें कि हार्दिक पांडे ने एंडरसन को भी 15 रनों पर आउट कर दिया था। इसके साथ शिवम दुबे ने भी आज 1 विकेट चटकाया, तो और शानदार गेंदबाजी रही, तभी यहां पे यूएसए की टीम 110 रन बना पाई। और ऐसे में जहां पे एक समय लगा था कि टीम इंडिया ये रन चेस कर लेगी, बट यहां पे टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी फ्लॉप चली गई, जहां पे रोहित शर्मा और विराट कोहली आज यहां पे आपको बता दें कि भैया कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। एक बार फिर से रोहित शर्मा 3 रन बनाकर आउट हो गए, सौरभ नेत्रावलकर ने इनका विकेट लिया, तो विराट कोहली भी यहां पे आपको बता दें कि बिना खाता खोले आउट हो गए, और उनका विकेट भी सौरभ नेत्रावलकर ने ही लिया। इसी के साथ साथ यहां पे ऋषभ पंत भी 18 रन बनाकर आउट हो गए, अली खान ने इनको बोल्ड कर दिया। तो दूसरी तरफ यहां पे सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे ने संकट मोचन बनकर इस मैच को बचाया। दरअसल सूर्य कुमार यादव ने आज इस मुकाबले में 49 गेंदों में 50 रनों की बेहतरीन पारी खेली, 2 चौके और 2 छक्के लगाए। तो शिवम दुबे ने भी 35 गेंदों में यहां पे आपको बता दें कि 31 रनों की पारी खेली, 1 छक्का और 1 चौका लगाया। और ऐसे में टीम इंडिया यह मुकाबला 18.2 ओवर में 3 विकेट खोकर 111 रन बनाकर 7 विकेट के अंतर पे जीत गई। तो आपको क्या लगता है कि अब की बार क्या टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत पाएगी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के